हेलो व्यूवर्स, डेली टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ताली बजाने के फायदे और साथ ही बताऊंगी ताली बजाने का सही तरीका यानी कि क्लैपिंग थेरेपी। दोस्तों, खुशी के मौके पर हो या फिर कोई रिलीजियस प्रेज में, एक्साइटमेंट में, इसके अलावा प्रोत्साहन यानी कि एनकरेजमेंट या फिर बढ़ावा देने एवं अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग्स के लिए सबसे इजी एंड इफेक्टिव तरीका है ताली बजाना। जी हाँ दोस्तों, ताली बजाना सिर्फ खुशी जाहिर करने का तरीका ही नहीं है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानेंगे इसके ये गज़ब के फ़ायदे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, इस बिजी लाइफस्टाइल में आज अगर हम कुछ खो रहे हैं तो वो है हमारा फिटनेस। देखा जाए तो आज इंसान के पास सारे लग्जरीज़ के रिसोर्सेस है लेकिन फिर भी हर इंसान किसी ना किसी रूप में शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम आपको कहें कि आप दिन में सिर्फ 2 मिनट ताली बजाने के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं जिसमें ना ही आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा और ना ही मेहनत, तो ऐसे में ज़रूर आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्यों हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप यकीन कीजिए, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि 100% सच है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ताली बजाने का सही थेरेपी क्या है जिससे कि आपको इसका फायदा हो सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हिल टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी ताली बजाने का सही तरीका यानी कि क्लैपिंग थेरेपी। इसके लिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले नारियल का तेल, सरसों का तेल या फिर दोनों को मिक्स करके इस तेल को अपनी हथेलियाँ यानी कि पाम्स पर लगाएं और थोड़ा सा रब कीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, ये तेल आपके त्वचा में समा जाएगा। इसके बाद अब आप मोजे और साथ ही लेदर शूज़ पहने ताकि बॉडी में पैदा होने वाली एनर्जी व्यर्थ ना जाए। अब आप अपने दोनों हाथों को सीधा और साथ ही एक दूसरे के समान अंतर रखें। इसके बाद अपनी हथेलियों को थोड़ा सा ढीला रखें और हाथों की उंगलियों और हथेलियाँ एक दूसरे को छूने का काम करें, तब आप ताली बजाएँ। सो फ्रेंड्स, आपके लिए थेरेपी के करने का सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। सुबह सुबह 10 से 20 मिनट तक ताली बजाने से आप स्वस्थ एंड एक्टिव रहेंगे। जैसा कि दोस्तों, ताली बजाने से रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, इससे आपके ब्लड वेसल्स एंड वेन्स में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी तमाम रुकावटें और साथ ही गंदगी साफ हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी जब आप ताली बजाते हो तो आपके हाथ में मौजूद किन 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव बनता है। सबसे पहला है हैंड वैली पॉइंट, दूसरा है अंगूठे के नीचे मौजूद प्रेशर पॉइंट, तीसरा है कलाई यानी कि रिस्ट, चौथा है इनर सेट पॉइंट और सबसे लास्ट और पांचवा है अंगूठे के नाखून पर मौजूद प्रेशर पॉइंट। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं ताली बजाने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला है हार्ट रहता है हेल्दी। फ्रेंड्स, ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे कि फ्रेंड्स आगे चलकर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता है। इसीलिए आप क्लैपिंग थेरेपी को ज़रूर अपनाएं और अपने हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी बनाएं। दूसरा फ़ायदा, ताली बजाने से हमारे बाएं हाथ की हथेली में लंग, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, छोटी और साथ ही बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की हथेली में साइनस के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। दोस्तों, जब हम ताली बजाते हैं तो इन सभी अंगों में रक्त दौड़ने लगता है और ये सभी चीज़ें हेल्दी रहती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप क्लैपिंग थेरेपी को ज़रूर आजमाएँ। फ्रेंड्स, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा, ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने से हम पेट से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आजकल हम ना चाहते हुए भी कितना फास्ट फूड खाते हैं ना। जी हाँ, तो यदि इन फास्ट फूड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से अगर आप बचना चाहते हो तो सुबह उठकर ताली ज़रूर बजाएँ। दोस्तों, ताली बजाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जी हाँ, जिन लोगों को हाई BP है उन्हें ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से काम करता है जिससे कि हमें हाई BP का ख़तरा कम होता है। इसीलिए फ्रेंड, जब हम हर रोज़ और साथ ही देर तक ताली बजाते हैं तो हृदय रोग, मधुमेह या फिर डायबिटीज़, गाठिया रोग, बहुत सी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप रोज़ाना ताली बजाएँ और हमेशा अपने आप को हेल्दी बनाएँ। फ्रेंड्स, रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक ताली बजाने से सर्दी, ज़ुकाम और साथ ही बॉडी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा ताली बजाने से हमारे हाथों की नसें लगातार काम करती रहती हैं जिससे कि फ्रेंड्स हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बंद नहीं होता है। और हाँ, ताली बजाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम सर्दी, जुकाम, बुखार से दूर रहते हैं।
इसीलिए फ्रेंड्स आप सर्दियों के दिनों में तो ताली ज़रूर बजाएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ताली बजाने से सिर दर्द से मिलती है राहत। फ्रेंड्स जब हम लगातार ताली बजाते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण हमें सिर दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको अक्सर सर में दर्द होता हो तो आप ताली ज़रूर बजाएं। नेक्स्ट वाला फ़ायदा है, ताली बजाने से आती है अच्छी नींद। जी हाँ, कई लोग हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, उन्हें चाहिए कि वो हर रोज़ ताली बजाना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों ताली बजाने से हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि अच्छी और साथ ही गहरी नींद लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों आप ताली बजाएं और बालों के झड़ने को रोकें। जी हाँ, ताली बजाने से हमारे बालों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है, इससे हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, इसके साथ ही हमारे बाल लंबे और साथ ही घने भी होते हैं, इसीलिए आप ताली ज़रूर बजाएं। नेक्स्ट वाला फ़ायदा है, ताली बजाएं और हेल्दी लंग्स पाएं। फ्रेंड्स जब हम लगातार ताली बजाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन का फ्लो सही तरीके से काम करता है, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन सही तरीके से पहुँचती है, जिसके कारण फ्रेंड्स हम हेल्दी रहते हैं और हमें ब्रीदिंग से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप ताली ज़रूर बजाएं। दोस्तों क्लैपिंग थेरेपी से बच्चों की कार्य क्षमता यानी कि वर्किंग कैपेसिटी का विकास होता है और उन्हें पढ़ाई में भी सुधार होता है। जो बच्चे रोज़ाना ताली बजाते हैं उन्हें लिखने में भी कम परेशानी होती हैं और उनसे स्पेलिंग से जुड़ी गलतियाँ भी कम होती हैं। साथ ही ताली बजाने से बच्चों का दिमाग भी तेज़ होता है, इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो रोज़ाना क्लैपिंग थेरेपी को अपनाएं। दोस्तों ताली बजाएं और मोटापा कम करें। जी हाँ, लगातार ताली बजाने से हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण फ्रेंड्स हमारा मोटापा भी कम होने लगता है। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो रोज़ाना ताली बजाने की कोशिश करें और अपना मोटापा घटाएँ। दोस्तों यदि हम ताली बजाते हैं तो हाथ की हथेली पर मौजूद सभी तरह के प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, इससे होगा ये कि सभी शारीरिक अंगों में ऊर्जा यानी कि फ्रेंड्स एनर्जी का प्रवाह होता है और ताजगी भी प्राप्त होती है। इसीलिए आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो ताली ज़रूर बजाएं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।